प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए मैं विद्युत परिपथ की ड्राइंग बता रहा हूँ। तो विद्युत परिपथ की ड्राइंग में देखिए, ये सेल है, एक बड़ी पाई एक छोटी पाई, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। तो ये बड़ी लाइन धन सेल के धन सिरे को बताती है और ये ऋण सिरे को बताती है। इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो ऋण सिरे से होकर के ये धन सिरे की तरफ जाता है, और विद्युत धारा जो बहती है वो धन सिरे से होकर के ऋण सिरे की तरफ बहती है। क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। और इसके बाद देखिए, यहाँ सुचालक तार है, यहाँ पे टेप कुंजी भी लगाई जाती है, जो कि जरूरत पड़ने पे इससे करंट लिया जाए सेल से, और अगर जरूरत खत्म हो गई तो कुंजी से प्लग निकाल लेते हैं तो धारा खंडित हो जाती है। ये देखिए धारा की दिशा बताया गया है, ये धन है, यहाँ पे धन और यहाँ ऋण। अमीटर हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्टामीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये प्रतिरोधक है, ये विद्युत सेल है, और ये वोल्टामीटर है जो वोल्टेज को बताता है, और वोल्टामीटर हमेशा प्रतिरोधक के समांतर लगाया जाता है, और अमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो मित्रों, विद्यार्थियों कभी कभी विद्युत परिपथ बनाने के लिए आ जाता है, तो उसकी ड्राइंग मैंने आपको भेज रहा हूँ यूट्यूब पे, आप जरूर देखिए।